नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिवेदी आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 104 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूँ। और बहुत ही नए नए अलग अलग कार्य करते हुए स्टोरी भी हमारी आगे बढ़ रही है और अच्छा लग रहा है ये देख करके कि धीरे धीरे स्टोरी के सुनने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बात चल रही थी दोस्तों, इससे पहले हमारे YouTube के परिवार और WhatsApp और सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ भी लोग रिकॉर्डिंग क्लब को सुनते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बात चल रही थी दोस्तों पुष्कर कन्वेंशन 2017 में जो आयोजित हुआ फरवरी में, और रिकॉर्डिंग अजमेर उस समय व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि किसी भी तरीके से कोई संगठन नहीं था। जैसे आमतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वैसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक आयोजन, एक मीटअप हम कह सकते हैं। बहरहाल घटनाएं अब चल रही थी 25 फरवरी 2017 की। परिचय सत्र हो गया और उसके बाद में व्यक्तित्व विकास पर जो सत्र था वो भी हो गया। अब बारी थी तीसरे सत्र की, जो कि हमारे जो सहकर्मी होते हैं जहाँ भी हम जॉब करते हैं वहाँ पर उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, सहकर्मियों के साथ समायोजन। और इसमें मुख्य वक्ता थे श्रीमान चेतन शर्मा जी जयपुर राजस्थान से, और बाकी सब चीज़ें मैंने बताई दी थी। मॉडरेटर सूर्य सर थे और चेयरमैन इसके कृष्णपाल जी थे अजमेर राजस्थान से। तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि दो घटनाएं ऐसी हुई इस दिन, इन सत्रों में खासकर, जो कि अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। हुआ यूँ कि चेतन जी जब अपनी बात कह रहे थे तो एक आम तौर पर सामान्य रूप में होता है कि हम लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं भाई जैसे कि फला फला व्यक्ति हैं उन्होंने समाज में अपना मुकाम हासिल किया है, और फला फला व्यक्ति हैं वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इस तरह से हम नाम लेते हैं, उदाहरण देते हैं। तो चेतन जी ने जो उदाहरण दिए उसमें उन्होंने कभी संदीप त्रिवेदी का नाम लिया, कभी उन्होंने केपी सिंह जी जो कि चेयरमैन थे उनका नाम लिया, कभी किसी और का नाम लिया, दो तीन जनों का वो नाम ले रहे थे। अब श्रोताओं में ही हमारे एक वरिष्ठ साथी बैठे हुए थे जिनका नाम था रामकरण शर्मा, जो कि अजमेर में ही पोस्टेड थे, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है हालांकि, लेकिन रामकरण जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। रामकरण जी ने कहा भाई देखिए, अब उसके पीछे उनका क्या मंतव्य रहा, वो किस अवस्था में थे, ये सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं बैठा उनके आसपास ही था जहाँ वो बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि उन्होंने ये कहा रामकरण जी ने कि भाई ये ऐसा नहीं है, सार्वजनिक मंच है, आप नाम लेना चाहते हैं तो दो तीन लोगों का नाम मत लीजिए, या तो किसी का नाम मत लीजिए, या फिर नाम लेना है तो और लोगों का भी नाम लीजिए। तो एक दो लोगों ने उनका समर्थन भी कर दिया उन्हीं के साथ के। ये चेतन सर की विनम्रता थी, उन्होंने तुरंत स्थिति को समझते हुए कहा कि ठीक है चलिए, मैं साथियों जो है मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो उन्होंने फिर ऐसे करके इस बात को शांत किया, और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने मतलब ये भी कहा कि भाई अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मतलब जो भी वो उस समय कर सकते थे स्थिति को शांत करने के लिए वो सब उन्होंने किया। लेकिन ये सत्र बहुत ज़बरदस्त रहा, जैसा कि मैंने शायद पहले भी कहा था कि जितने सत्र आयोजित किए गए उसमें सबसे ज़्यादा पसंद इस सत्र को किया गया, और प्रश्न भी काफ़ी पूछे गए सत्र में। तो
ये जो सत्र है लंच से ठीक पहले का सत्र था, और कोई अप्रत्याशित घटना इस सत्र में नहीं हुई, लेकिन सत्र बहुत रुचिकर रहा और लंच शुरू होने के 15-20 मिनट बाद तक भी ये सत्र चलता रहा। जो हमारा प्रोग्राम 9 बजे सुबह शुरू होना था, जो कि लगभग 11:15 बजे शुरू हुआ, और ये सत्र समाप्त होते होते लगभग 2:15 बज गए थे। यानी बाद के सत्र कुछ छोटे हो गए, और जो 1:30 बजे से हमारा लंच का टाइम था उसमें ज़्यादा देरी नहीं हुई, 15 मिनट करीब देर हुई। तो इस प्रकार लंच का टाइम हुआ, और लंच जो है अब क्या था ये तो अब इतना याद है नहीं है अब आज के समय में। लेकिन हाँ, इससे जुड़ी हुई एक बात बताता हूँ मैं दोस्तों, खाने पीने के मामले में, जो शायद पहले पता नहीं मैंने जिक्र किया या नहीं किया, लेकिन शायद शाम के भोजन में रसगुल्ले भी थे, और वो रसगुल्ले हमारे अर्पण जी सर ने बीकानेर से मंगवाए थे। यानी उन्होंने अपने संपर्क से ये व्यवस्था कराई थी, और उसका उपयोग जो है वो 26 तारीख को सुबह नाश्ते में भी हुआ। तो ऐसे ही मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले की बात सुन करके, तो बात छेड़ दी जाए। लेकिन हाँ, जो भी मेन्यू था वो सारा ही अपनी जगह बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब ठीक से याद नहीं आ रहा है, पता नहीं खीर थी कि हलवा था कि क्या था, जो भी था, या रसगुल्ले ही थे कि शाम को थे, मतलब अब, लेकिन खाना जो भी था वो सबको पसंद आया। खैर, हर बार का खाना, रिकॉर्डिंग क्लब का ये कन्वेंशन, मतलब चर्चाएँ जिन जिन बातों पर हुई उनमें खाने की भी बड़ी चर्चा हुई कि भाई इतने प्रोग्राम देखे मगर खाना ऐसा कहीं नहीं देखा। तो सब लोग नए लोग थे, हम लोग भी नए लोग थे, हमारा भी कोई अनुभव नहीं था, और जो हलवाई थे उनका भी कोई अनुभव नहीं था। तो इस प्रकार साहब 3 बजे तक लगभग लंच वंच पूरा हुआ। ज़्यादा लोग थे नहीं, 100-125 लोग थे, तो आराम से 3:15-3 बजे तक सारी कार्रवाई होगी। लेकिन चैलेंज वही था दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पर डाइनिंग हॉल, बेसमेंट में रसोई, वहाँ से भोजन को लाना और फर्स्ट फ्लोर पर उसको सर्व करना। मतलब आप समझिए कि वॉलंटियर्स ने कितना ज़बरदस्त काम किया होगा। और इस समय तक हमारे बीच में एक वॉलंटियर और जुड़ गई थी, जो कि आजकल जिनकी आवाज़ें सुनते हैं आप दिन विशेष में, जीतू राम जी, उनकी धर्म पत्नी थी दीपाली भाभी। तो सुबह के समय तो वो अपने बच्चे के साथ व्यस्त थी, लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने भी एक तरह से वॉलंटियर के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो एक अच्छी बात जो साथियों ने नोटिस की इस समय, वो ये जो बाद में सामने आई कि किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं हुआ खाने के लिए। आमतौर पर जैसे भीड़ उमड़ती है या दिक्कतें होती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग बड़े शांति से वेट भी कर रहे थे जिनको वेट करना था, और जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उस व्यवस्था को पूरी तरह से साथियों ने पालन किया। तो ये जो अच्छी बातें इस प्रोग्राम से निकल करके आई, उन अच्छी बातों में से ये भी एक बात थी। अब भाई 3 बजे के बाद हमारा सत्र निर्धारित था, जो कि शुरू होते होते लगभग 3:30 बज गए थे, हो सकता है इससे भी देर हो गई हो, और 3:15-3:30 करीब ये सत्र था विद्यार्थियों के लिए, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसमें अक्षय सुराणा थे, मुकेश गुप्ता जी थे, अली थे। तो गुप्ता जी चेयरमैन बने और अक्षय भाई मॉडरेटर बने, उन्होंने शुरुआत की, और अली स्पीकर के रूप में थे। अब लेकिन इसी बीच में हुआ ये कि साहब पानी ख़त्म हो गया था, पानी के कैंपर जितने भी थे पीने के पानी के वो ख़त्म हो गए थे। हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गए ख़त्म, और मुझे उसके लिए जाना पड़ा।
तो मैं निकल गया वहाँ से, प्रोग्राम स्थल से वैन ली, जो वैन हमने कर रखी थी, और मैं चला गया पानी के कैंपर्स लेने के लिए, मैं और मेरे साथ भानु। भानु तो मेरे साथ आप मान के चलिए कि ज़्यादातर समय और ज़्यादातर कन्वेंशनों में वो मेरे साथ ही रहा है, ये मान करके चलिए आप। एक तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं वहाँ गया, तो उसमें से 80% 90% ये संभावना है कि भानु मेरे साथ ही होगा। तो हम दोनों तो निकल गए पानी के कैंपर के लिए, जो कि 3-4 जगह हमें घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मिले, बड़ी मुश्किल से पानी के कैंपर्स मिले। इस बीच में इधर सत्र शुरू हुआ, सत्र चल रहा था, और जब अक्षय भाई ने अपनी बात शुरू की तो मैं वहाँ से निकल गया था ऐसे ही। लेकिन इस बीच में जब मैं कैंपर लेकर के आया, तब तक लगभग 4:15 बज गए थे या 4 बजने वाले थे, और पता ये चला कि भाई यहाँ तो मतलब माहौल बन गया था, बड़ा गड़बड़ हो गया था कुछ छोटा मोटा। तो फिर मेरी भी जिज्ञासा हुई, भाई ऐसा क्या हुआ। साथियों से पता चला बाद में कि अली ने अपने वक्तव्य में कुछ बात कही जो कि एक दो साथियों को अच्छी नहीं लगी। अली ने उस समय, हो सकता है उनके अनुभव के आधार पर कहा हो, और जिन साथियों ने उसका विरोध किया उन्होंने ये कहा कि देखिए सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुद्दा क्या था? अली ने कहा आमतौर पर अंग्रेज़ी, रीजनिंग, मैथ्स, इन विषयों में हम लोग वीक होते हैं, आमतौर पर ऐसा माना जाता है। और एक वक्तव्य जो उन्होंने कहा था, उन्होंने जो जारी किया था कि मैंने ये देखा है कि कई साथी ऐसा भी मान करके चलते हैं कि सिलेक्शन स्क्राइब का हो और जॉब हमें मिल जाए। यानी उनका इशारा ये था कि स्क्राइब पर निर्भर रहते हैं साथी, या कई जगह ऐसा होता है कि कुछ साथी जो है वो स्क्राइब पर निर्भर रहते हैं। और देखिए दोस्तों, 2013 में जब से संशोधित गाइडलाइंस आई तब से ये स्क्राइब का मुद्दा तो बड़ा ही गर्मा गर्म मुद्दा रहा, आपने देखा होगा। बाद में कुछ किसी रेडियो चैनल का और कोई दिल्ली की महोदया थी, उनके साथ भी कुछ विवाद विवाद हुए इस मामले को लेकर के, और बड़ा अक्सर मतलब गहमा गहमी चलती रही। तो हमारे जीतू भाई, उनके साथ रामप्रसाद जी भी थे, तो जीतू भाई को और रामप्रसाद जी को उन्होंने सुना जैसे ही, तो उन्होंने कहा नहीं भाई देखिए ये गलत बात है, आपका अपना अनुभव होगा अली, लेकिन सार्वजनिक मन से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी कहें, कुछ भी बात करें, तो इस तरह से थोड़ा शोर शराबा हुआ, हौला, और उस समय अर्पण जी, शरद भाई, ये सब लोग वहीं थे, तो सारे लोग पहुँच गए, और लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाए, लेकिन सब लोग समझदार थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो मुद्दा जो है वो बड़ी आसानी से शांत हो गया। और अली ने भी इस बात को खुले मन से स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूँ। बहरहाल ये तो सुनने वालों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, और वैसे भी हम सब जिस समाज के प्रतिनिधि हैं तो हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम सब वैसे ही खुद ही समझें कि वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। इसलिए उस बारे में बहस करने से, चर्चा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। दरअसल जो साथी मेहनती हैं वो मेहनत करते हैं और वे आगे भी करते रहेंगे। और सरकारें जब नहीं सुनती हैं, अन्याय जब बढ़ जाता है, अधिकार जब नहीं मिलते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ भी अनुचित नहीं है। बहरहाल ये सत्र भी पूरा हुआ, उसके बाद में जो सत्र था वो बीच में मैंने एक बार जिक्र किया था, शिक्षकों का सत्र, शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित, नई तकनीक से संबंधित, शिक्षा में नवाचार, और इसके मुख्य वक्ता थे भूप सिंह चौधरी, मॉडरेटर थे कर्मवीर सिंह राठौड़, और चेयरमैन थे इसमें अरविंद जी जोशी। तो तो
ये भी बड़ा ही शालीनतापूर्ण सत्र रहा। भूप सिंह काफ़ी तैयारी कर कर के आए थे और मैंने एक बार जिक्र किया था ना एक संघ के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो वैसे भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, तो उनको काफ़ी लाभ मिला इस चीज़ का, इस सत्र को संबोधित करते हुए। और बाकी उसकी कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। बहरहाल ये सत्र भी लगभग 5:15 तक समाप्त हुआ। लगातार मतलब सत्र 3 से 4, 4 से 5, ये शेड्यूल था उस समय पहले कन्वेंशन का। तो फिर आई बारी साहब जो कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के एक सत्र था, वो लगभग 5:15 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता थे प्रतीक अग्रवाल और चेयरमैन आई थिंक डॉक्टर आर एस पानवरिया थे भोपाल से, जो हमारे बीच में थे, जिन्होंने सहयोग भी किया था। और यहाँ पर एक नई बात, यहाँ पर एक नई बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक मैंने घटना का जिक्र किया था कि मेरे पास कॉल आया, मैं सेलिब्रिटी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फिर उसके बाद बातचीत भी हुई, फ़ोन आने लगे, और फिर कन्वेंशन में भी आने के बाद में बातचीत होती रही। मुझे लगा कि अगर हमारे कार्यक्रमों में किसी फीमेल को शामिल कर दिया जाए तो उससे दो फायदे होंगे, उनकी परख भी होगी, उनके बारे में पता भी चल जाएगा कि वो अपने आप को कवयित्री बता रहे हैं, तो मंच का कौशल कितना है उनमें ये भी पता चल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी मेरे और अर्पण जी के बीच में फिर चर्चा हुई कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी था। तो शिखा दुबे जी को जो है इस सत्र में मॉडरेटर की भूमिका दी गई। जाहिर सी बात है ये सत्र मॉडरेटर की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा, बाकी वजहों से रहा या नहीं रहा, या बाकी बातें साथियों को कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी समझ में आई है तो साथियों ने बताया समय समय पर, लेकिन सत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा इस लिहाज से शेर व शायरियों के मामले में, और शिखा जी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। और फिर कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा देख करके फिर एक और निर्णय लिया गया और उनसे कहा गया कि शाम को सांस्कृतिक संध्या में आपको हमारे साथ संचालन करना है, उनको ये कहा गया, और उन्होंने तो तुरंत बात को स्वीकार कर लिया। और ये सब देखिए दोस्तों क्या होता है कि समूह या फिर कार्यक्रम की बात दूर तक पहुंचाने के लिए ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद आने वाले 3 कार्यक्रमों में उनका बराबर हमको सपोर्ट मिला, साथ मिला, और जिसमें उनको भी लोगों ने जाना और कार्यक्रम भी अपनी जगह ठीक रहे, और कई बार उनको विवादों का भी सामना करना पड़ा शिखा जी को इसकी वजह से, वो आगे बताएंगे फिर कभी। बहरहाल इसके बाद में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र, तो क्या कहें, एक प्रतियोगिता कहनी चाहिए, और चूंकि विद्यार्थियों पर शुरू से रिकॉर्डिंग क्लब का फोकस रहा है तो फिर एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और ये कपिल भाई का सुझाव था क्योंकि वो उस समय सामान्य ज्ञान के प्रश्न तैयार कर रहे थे, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। हालांकि आज प्रति कपिल भाई जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब में हैं तो सही, सक्रिय नहीं है। बहरहाल वो उनकी निजी व्यवस्थाएं या व्यस्तताएं हो सकती हैं। तो पहले आयोजन में कपिल भाई ने पुरस्कार की व्यवस्था भी स्वयं ने की, लगभग 1700 रुपये का पुरस्कार उन्होंने दिया। 17 लोग जो जीते, यानी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपका आंसर सही है तो आपको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा, नगद कैश। तो इस तरीके से
ये भी प्रतियोगिता आयोजित की गई और मेरे ख्याल से इसमें विद्यार्थियों को ही अलाउ किया गया था, लेकिन अब ठीक से याद नहीं आ रहा है, विनोद भाई से कन्फर्म करूँगा। और क्यों कन्फर्म करूँगा, विनोद भाई अब आप तो जानते ही हैं विनोद भाई कौन है, विनोद गढ़वाल जी आज हमारी संचालक समिति का जाना माना नाम। तो ऐसे ही कपिल भाई और विनोद जी की बातचीत हुई होगी और कपिल भाई गए विनोद जी के पास, आप कुछ लिख लीजिए या कुछ नोट कराइए, ब्रेल में थोड़ा सा नोट कर लीजिए या ब्रेल पढ़ लेंगे क्या, ऐसी कोई बात थी। तो विनोद जी ने कहा हाँ पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कपिल भाई ने कहा मैं घूम घूम के प्रश्न मतलब देखूंगा कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। और आप माइक से विनोद जी को कहा कि आप मंच से जो है वो प्रश्नों का दोहरान कर लेना या प्रश्न बोल देना। तो विनोद जी ने कहा बिल्कुल, ब्रेल विनोद जी की अच्छी थी। तो इस प्रकार इस सत्र में कपिल भाई के सहयोगी के रूप में विनोद गढ़वाल जी रहे। ये सत्र पूरा लगभग एक घंटे के आसपास चला, 17-18 प्रश्न इसमें पूछे गए और मैं इस सत्र में 10-15 मिनट उपस्थित रहा, क्योंकि फिर कल्चरल इवनिंग की तैयारियां करने में चला गया था, नाम वगैरह नोट करने, लिस्ट बनाने, कौन कौन भाग लेंगे कौन कौन नहीं लेंगे, इस तरीके से। और बड़ा ही सफल आयोजन ये रहा विनोद जी और कपिल जी के नेतृत्व में दोनों के साथ। इस सत्र में भी हमने किसी न किसी को चेयरमैन तो बनाया होगा, लेकिन किसको बनाया था ये याद नहीं आ रहा है, तो अगले अंक में तो बताऊंगा ही। इसके बाद दोस्तों बारी आई कल्चरल इवनिंग की, जिसके बारे में मैंने एक बार पहले बताया था कि हमने किसी को चेयरमैन बनाया था, वो श्रीमान नहीं आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, जो भी है आप लोग समझदार हैं सभी, खैर। लेकिन काम और नाम में यही अंतर होता है दोस्तों, नाम कितना ही बड़ा हो लेकिन वो समय पर अपना अनुभव अनुजों के साथ नहीं बांट सके तो फिर बड़े नाम का कोई लाभ नहीं है, मेरा ये मानना है। तो कल्चरल इवनिंग में विशेष तौर पर मैंने रिक्वेस्ट करके मेरे अनुज हार्दिक पांड्या, जो कि उस समय ब्लाइंड फील्ड में किसी को नहीं जानते थे और उनका भी ये पहला प्रोग्राम था, जिस प्रकार आपने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 100 में सुना सृष्टि से कि उनका ये पहला प्रोग्राम था एक तरह से इतने सारे लोगों से मिलने का, इतनी सारी प्रतिभाओं को जानने का, इसी प्रकार हार्दिक भाई का भी। और हार्दिक भाई संगीत से जुड़े हुए थे ये मैं जानता था अच्छी तरह से, और हार्दिक मेरे बांसवाड़ा के ही रहने वाले हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। हार्दिक अपने पिताश्री के साथ आए थे और उसी रात उन्हें निकलना था, वो एक दिन के लिए ही आए थे, सुबह आए थे और रात को निकलना था उनको। ऐसे ही हमारे विपुल भाई को भी उसी दिन निकलना पड़ा, शायद वो तो पूरा कल्चरल इवनिंग भी अटेंड नहीं कर पाए थे। तो हाँ, एक दोस्तों इस बीच में बात और हुई थी कि शाम को जब कम्युनिकेशन स्किल वाला सत्र चल रहा था, तब हमारे ये जो जिन्होंने हमें राशन वगैरह की व्यवस्था करवाई थी उन्होंने भी विज़िट किया इस प्रोग्राम को, उन्होंने भी देखा, कुछ साथियों से बात भी की उन्होंने, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए और स्पीच भी दिया उन्होंने, मतलब जो व्यवस्थाएँ थी उनको भी देखा, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हों चाहे वो रहने की व्यवस्थाएं, सब कुछ, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। शुरू से जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमें राशन जहाँ से मिला था वो लोग करीबन 8-10 लोग आए थे, उन्हें भी हमने स्मृति चिन्ह उस समय भेंट किया मंच से और उनको इस प्रकार हमने विदा किया, ये भी एक घटना हुई थी। तो वही है, बस इतना समय हो गया है, पता नहीं दोस्तों याद रहता नहीं है, याददाश्त तो वैसे ही अच्छी होती तो फिर बात ही क्या थी। खैर, तो कल्चरल इवनिंग का मोर्चा संभाला हार्दिक भाई ने और कुलदीप जोशी, जो कि वो भी उधर मेरे वागड़ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं डूंगरपुर के, कुलदीप जोशी ने तबले को संभाला और हार्दिक भाई ने हारमोनियम को संभाला और गाने को संभाला। तो इन दोनों ने शुरुआत की, हार्दिक भाई ने 2-3 गीत गाए,
चौक पुराओं से शुरुआत की और शिखा जी ने अपनी शायरियों से समा बांधा। हमारी तो आवाज़ ख़राब हो चली थी, अक्सर मेरे साथ यही हुआ हर कार्यक्रम में, कन्वेंशन में, ज़्यादातर में, मतलब सब में तो नहीं, लेकिन पुष्कर में और उदयपुर में ऐसा ही हुआ कि गला ख़राब हो जाता है। खैर, फिर भी इसमें लगभग बराबरी की भूमिका निभाई हमने उनके साथ, पीछे नहीं हटे। बाद में तो धीरे धीरे और कार्यक्रमों में तो हम बिल्कुल ही पीछे हट जाते थे, लेकिन इस कार्यक्रम में तो हमने बराबरी की भूमिका निभाई और मंच पर हम लोग बैठे। और इसमें एक विशेष बात ये भी हुई थी दोस्तों इस आयोजन में कि प्रोग्राम अजमेर में ही था, मेरा परिवार भी अजमेर में ही था, लेकिन मैंने किसी को भी अपने घर से आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन इस कल्चरल इवनिंग के लिए विशेष तौर पर मैंने अपनी वाइफ को और उनकी सिस्टर को और उनकी मौसी आई हुई थी, उन्हें, मेरी वाइफ को मतलब, कहा कि उन्हें लेकर के आपको आना है प्रोग्राम में। तो वो लोग लेकर के, मतलब मेरी वाइफ लेकर के आई उन्हें पुष्कर, और उन्होंने भी इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया, इस कल्चरल इवनिंग को एक तरह से। इसमें ही उन्होंने सब साथियों को देखा भी, और कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर मेरी वाइफ का भी अटेंड करने का ये शायद पहला ही प्रोग्राम रहा होगा इतने बड़े पैमाने पर। उससे पहले याद नहीं आता कोई ऐसा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया हो। कल्चरल इवनिंग में शिखा जी की शायरियाँ, हार्दिक भाई के गीत और कुलदीप भाई का तबला, इसके अलावा हमारे जो नियमित साथी हैं रिंकुलाल जी सर, उनकी गज़लें, मुझे याद है उन्होंने चांदी जैसा रंग है तेरा शायद गज़ल गाई थी उस समय, और सृष्टि ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी, मेघा जो हैं भिंडर से उन्होंने भी अपनी, मतलब उदयपुर के पास एक जगह है वहाँ से उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस दी और बड़ा इन्जॉय किया सब ने कुल मिला करके। और इसके अलावा नितिन ने भी कुछ परफॉर्मेंस दी, नितिन पाटीदार थे मध्य प्रदेश से, और भी साथियों ने, मुझे मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिन जिन के नाम याद थे वो तो मैंने बताया, लेकिन काफ़ी सारे, हाँ प्रतीक भाई ने भी शायद कुछ गाया था इसमें, प्रतीक अग्रवाल ने। तो इन सब साथियों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया और लगभग 17-18 प्रस्तुतियां रही कम से कम। एक नृत्य भी हुआ था जो कि शानदार, उनका नाम क्या है, कमला चौटानी जी जोधपुर से आई थी, उन्होंने एक नृत्य प्रस्तुत किया था, वो नृत्य तो साथियों ने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पसंद किया शायद, तो वो भी एक कहानी है। उसके बाद फिर लास्ट में थोड़े बहुत जो है वो हल्का फुल्का जो है ऐसे ही उछल कूद हमने भी की थी, जग घूमिया वाले, और ओम प्रकाश, ओम प्रकाश को हम कैसे भूल सकते हैं भाई। ओम प्रकाश ने विशेष तौर पर इस आयोजन के लिए वाद्य यंत्रों की व्यवस्था की थी, और ओम प्रकाश ने स्वयं ने भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी थी जो कि अजमेर से ही हैं। जग घूमिया, एक तो ये गीत मुझे याद आ रहा है, और भी गीत उन्होंने गाए। तो ओम प्रकाश जो कि अभी हमारी मधुबन वाली जो प्रतियोगिता थी रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब की, उसमें प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा कई सारे पुरस्कार वैसे भी वो जीत चुके हैं, और कभी कभी, बहुत कभी कभी, वो कल्चरल इवनिंग में सैटरडे को अपनी प्रस्तुतियों के साथ आते हैं। इसके अलावा कल्चरल इवनिंग बड़ी ज़बरदस्त चली साहब, लंच का टाइम हो गया था, लंच बन गया था, लेकिन जो खाना बनाने वाले थे वो भी कल्चरल इवनिंग में आकर के देखने लगे, वो भी, उनका भी जाने का मन नहीं कर रहा था, ये स्थिति थी। लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती हैं साथियों, ये सब आयोजन जो हो रहा था कहीं ना कहीं ये आयोजन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप जो है वो शायद हाईवे पर जाने वाला है। उस सब की भूमिकाएं इन सब घटनाओं से तैयार हो रही थी। बहरहाल कुछ और याद आएगा तो अगले अंक में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों यही वो रात थी जिस रात की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। हमको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा है,
लेकिन जब रात को होता ही है ना, इतने सारे दोस्त जब मिल जाएं, साथी मिल जाएं, तो नींद किसे आती है। और मेरा, अर्पण जी का और भानु का कमरा ऐसा था जिसमें अटैच लेट बाथ भी नहीं थे, कुछ दो तीन रूम ऐसे थे तो जो खाली थे उनमें से मुझे, अर्पण जी और भानु को यही रूम लेना पड़ा जिसमें लेट बाथ भी नहीं थे अटैच, क्योंकि बाकी सब साथियों को जो देने थे, क्योंकि हमारा ये इसमें पहले से ही हमने ये सोच रखा था कि आने वाले साथियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बहरहाल, ये बहरहाल बहुत निकलता है आजकल मेरे मुंह से, तो रात को ऐसे ही हमारे आसपास के रूम से हमें सिगरेट की बदबू आने लगी। पहले तो हमें लगा कि यहीं का कोई होगा, लेकिन उसकी संभावना कम लगी, और जब पता लगाया तो फिर पैरों तले ज़मीन सरक गई हमारे। लेकिन ये सारी घटना आज नहीं बताऊंगा दोस्तों, 105 में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।